तो जब आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करके अपने Facebook पर अपलोड करते हो तो आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल द फ्लोबिंग क्रेटेरिया मस्ट वी मेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बता रहा है कि आप फेसबुक के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए हो और आपको मोनिटाइजेशन में नहीं जोड़ा जाएगा, मोनिटाइजेशन पार्टनर प्रोग्राम में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कि आप लोग जो वीडियो अपलोड करे वो फालतू हो गया। ये 3 महीना बाद हटता है, 90 दिन बाद। 90 दिन के बाद ही आप लोग अर्निंग कर सकते हो फेसबुक से। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है, आप लोग को सही तरीका से वीडियो को डाउनलोड करना है, सही जगह से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरा फॉलोवर्स भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं एक ऐसा गलती कर दिया हूँ जिसे मेरा फेसबुक पर स्ट्राइक आ गया है और वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मैं जो गलती कर रहा था आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को वीडियो कहां से लेना है चलिए मैं बताता हूं। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को फेसबुक में आ जाना है, फेसबुक से ही वीडियो लेना है, क्योंकि उसका वीडियो अब ब्लॉक नहीं हो रहा है तो आप लोगों का भी ब्लॉक नहीं होगा। और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से लेना है ये मैं बताता हूँ। सिंपली आप लोग यहाँ से बैक जाना है, वह करने के बाद आप लोगों को सिंपली कैसे क्या करना है कि फेसबुक ऐसे करके ओपन करना है और यहाँ से आप लोगों को इस वाले आइकन पर आ जाना है, थर्ड वाले आइकन पर, जहाँ पर आप लोगों को वीडियो दिखेगा। सिंपली इस पर आने के बाद आप लोगों को वो वीडियो ढूंढना है जिस पर बहुत ज़्यादा व्यू आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पर व्यू नहीं आ रहा है, ऐसा पर व्यूज अभी नहीं आ रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों को 3, 4, 5 मिलियन, 10 मिलियन ऐसा रहेगा उसको लेना है। यहाँ से आप लोगों को नीचे जाना है, नीचे, या जो आप लोगों को अच्छा डिश लगे वो ले लेना, नहीं तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जिस पर ज़्यादा व्यूज होगा उसको लेना है। तो मैं सिंपली बैक नीचे जा रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यू चाहिए और इंप्रेशन भी लग रहा है, क्योंकि अभी एक्सीडेंट होने वाला है और ये वीडियो देखकर कोई भी रुक जाएगा आपके वीडियो पर। तो सिंपली आप लोगों का करना है, शेयर वाले बटन पर ऐसे क्लिक करना है। शेयर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को लिंक को कॉपी कर लेना है। सिंपली ऐसे करके लिंक को कॉपी करना है, ऐसे करना है, लिंक हो गया है मेरा कॉपी। उसके बाद आप लोगों को बैक करना है, उसके बाद आप लोगों को सिंपली गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना है सेव फेसबुक, ऐसे लिखना है सेव फेसबुक वीडियो और उस पर क्लिक कर देना है। जो फर्स्ट में आप लोगों को दिखेगा सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बोलेगा आप लोगों को वीडियो का URL, तो मैं URL दे देता हूँ, ऐसे डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे जैसे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और यहाँ पर आप लोगों को पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, फ्री में आपका वीडियो डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ चुका है, ये देखो यस यस नो नो, जिसमें यस रहेगा उसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो ये देखो दो में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वैल्यू में, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। जैसे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ ऐड आएगा, तो सिंपली आप लोग इसको कट कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो हो चुका है सेव, 1 सेकंड में सेव हो चुका है, 1 सेकंड में सेव हो गया है। उसके बाद आप लोग को कहाँ जाना है चलिए मैं बताता हूँ। सिंपली आप लोग चले जाना है इनशॉट में या काइन मास्टर में। इनशॉट में करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा। सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है और अपने वीडियो को ऐसे सेलेक्ट करना है उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ से आप लोगों को यूट्यूब के साइज ले लेना है या जो भी आप लोग साइज में अपलोड करना चाहते हो। तो मैं 1x1 का साइज लेता हूँ, तो आप लोग भी ले सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो भी होता है 1x1 में ही होता है। या आप लोग इधर देख सकते हो 3x4, जो भी इसमें मैच करे उसको ले लेना है। तो मैं इसके करता हूँ, ये देखो यहाँ से इसको आप लोगों को थोड़ा सा इसे बढ़ा के फुल कर लेना है। और इसमें करना क्या है कि 5 सेकेंड आगे से ऐसे करके कट करना है, ऐसे 5 सेकेंड आगे और 5 सेकेंड पीछे से ऐसे कट कर देना है। और पीछे वाले भाग को आप लोगों को डुप्लीकेट कर लेना है, ऐसे करके इसको आगे लगा देना है, ऐसे करके आगे लगा देना है। अब ये हो गया नो कॉपीराइट। सिंपली आप लोगों को यहाँ से सेव करना है और सेव करने के बाद आप लोगों को जाकर डायरेक्ट अपलोड कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। और मूवी का नाम टाइटल में नहीं डालना है, सिर्फ साउथ मूवी डालकर अपलोड कर देना है, कभी भी कॉपीराइट या स्ट्राइक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ऐसे ऐसे कंटेंट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।